नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। वक्त हो चला है कुछ खास खबरों का। देश में लगातार तापमान बढ़ने की वजह से कर्नाटक में जल संकट गहराने लगा है। इसी के बीच भाजपा कर्नाटक के प्रमुख बीएस येदियुरप्पा ने इस मुद्दे को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राज्य के कई गाँवों में सूखा पड़ रहा है और ऐसे में जल संकट का समाधान करने की बजाय सीएम एचडी कुमार स्कूल और गाँव में जाकर राजनीतिक ड्रामा कर रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने एस जयशंकर को बतौर विदेश मंत्री की उनकी नियुक्ति पर शुभकामना दी। इसके साथ ही कुरैशी ने दोनों देशों के बीच बातचीत की भी वकालत की है। दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता शशि थरूर के पीएम नरेंद्र मोदी के संबंध में की गई कथित बिच्छू टिप्पणी के खिलाफ दर्ज शिकायत के मामले में उनकी जमानत को मंजूर कर दिया गया है। आपको बता दें कि भाजपा की दिल्ली इकाई के नेता राजीव बब्बर ने थरूर के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें बब्बर ने अपने शिकायत में कहा कि कांग्रेस नेता के बयान के कारण उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई। साथ ही पीएम मोदी की छवि को खराब करने की कोशिश भी की गई है। फीफा द्वारा आयोजित होने वाले महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज आज से हो रहा है। इस टूर्नामेंट का आयोजन इस बार फ्रांस की राजधानी पेरिस में हो रहा है। इस बार महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप का मस्कट मुर्गी का बच्चा है, जिसे 80 नाम दिया गया है। 7 जून से शुरू होकर 7 जुलाई तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाली कुल 24 टीमों को 6 ग्रुप में बांटा गया है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान फ्रांस और दक्षिण कोरिया के बीच होगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ बने रहें और देखते रहें प्राइम टीवी इंडिया। मेरा नाम मोहम्मद रियाज है। अब्दुल्ला टूर ट्रैवल के जरिए से हज उमरा काम यहाँ होता है और यहाँ से सारी सुविधा इंशाल्लाह अच्छी दी जाती है। अब्दुल्ला टूर एंड ट्रैवल्स लाया है सबसे सस्ता उमरा पैकेज। मक्का मुनव्वरा और मदीना की जियारत हो या खाने पीने की सहूलत, रहने से लेकर ट्रांसपोर्ट तक सब कुछ करवाएंगे मुहैया आपकी सोच से भी कम दाम में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अमृतसर के मजीठा रोड पर भीषण आग लगने से 7 दुकानें जलकर राख हो गई। सूचना पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। पुलिस के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। दूसरी ओर दुकानदारों ने प्रशासन से नुकसान की भरपाई की गुहार लगाई है। सहारनपुर के देवबंद में कार और डीसीएम की टक्कर होने से एक मासूम सहित 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस घटना में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने डीसीएम चालक को गिरफ्तार कर लिया है। अलीगढ़ के इगलास में केनरा बैंक के मैनेजर को बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। मैनेजर ने सरकार की नीतियों और सरकारी सेवाओं को जनता के पास सही रूप से पहुंचाया और साथ ही अपने कार्य को पूरी जिम्मेदारी से निभाया। उनके इस सराहनीय कार्यों के लिए उन्हें शील्ड और सर्टिफिकेट देकर भी सम्मानित किया गया। ये हमारे ब्रांच की बेस्ट परफॉर्मेंस जो है किसानों को, केसीसी लोन और व्यापारियों को सुविधा देने के बिजनेस लोन के सर्वोत्तम सेवा के उपलक्ष्य में। मऊ की ऐतिहासिक तमसा नदी की सफाई करने के लिए जिलाधिकारी की अगुवाई में 9 जून से जन आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। इसी के चलते जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस वार्ता कर इस विषय के बारे में और जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि इस आंदोलन में 79 गांवों के ग्रामीण सहित जिले के तमाम समाज सेवी संस्थाएं भी हिस्सा लेंगी, ताकि सभी के सहयोग से तमसा नदी फिर से निर्मल हो सके। तमसा को पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक है कि तमसा की सफाई की जाए, डिसिल्ट किया जाए और उसको साफ रखने के लिए जब तक यह जन आंदोलन नहीं बन जाएगा, क्योंकि जन भागीदारी जिस कार्यक्रम में नहीं होती है उस कार्यक्रम की स्वीकार्यता नहीं होती है।
फरुखाबाद के लोहिया अस्पताल में सर्जन डॉक्टर गौरव मिश्रा और प्रधानाचार्य अनिल कुमार सिंह के बीच हुई मारपीट के मामले ने दूसरे दिन तोल पकड़ लिया। दरअसल दोनों के समर्थकों ने इस मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए धरने पर बैठ गए, जिसके बाद जिला अस्पताल के डॉक्टर ने दोनों पक्षों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द मामले को खत्म न किया गया तो इमरजेंसी सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। बागपत के दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर तेज रफ्तार से कार बाइक सवार को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पलटकर खाई में गिर गई। बता दें इस हादसे में कार में सवार 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है।